मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। आज मैं कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को पराठा, सब्जी, दही, यही सब खाना होता है। उनके लिए पराठा सब्जी रहेगा और मैं अच्छे से कुछ बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, अब बोलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? एज यूजुअल नाश्ता का टाइम हो गया था, देख रहे हैं पराठा खा रहे हैं आज। और ये पनीर चिल्ली का रेसिपी है, कल भी बना था और जो थोड़ा सा बची है उसको आज हम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर रहे हैं कि इतना टेस्टी था कि क्या करें। मेरे बस में तो हम दिन भर खाएं, इतना स्वाद था। ये देखिए, एक बाइट मैंने लिया, इसमें लिया और खा लिया, स्वाद अच्छा है। इसमें हेलो विजय, खाइए जल्दी, अच्छा ना? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको सपोर्ट करिए, ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और मेरा वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या होता है और डेली मैं क्या करती हूँ। जो जो मुझे देखना चाहते हैं लाइक सब्सक्राइब कर दे। आप लोग क्या करते हो, जाते हो, देखते हो, एक थम्स अप का बटन मेरे को व्हाट्सएप में ठेंगा दिखा देते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ये कौन सी बात है? खाली वीडियो देखते हो, ऐसा नहीं करते ना। आप लोग भी वीडियो बनाते देखिए कितना मेहनत लगता है, आपके साथ ऐसा किया जाए तो कैसा लगेगा? तो प्लीज सपोर्ट मी, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, बेल आइकन को जरूर दबा दे, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी मेरी, ठीक है? चलिए अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बनाने जा रही हूँ, उसके लिए दो मिर्च, दो प्याज, दो टमाटर, कुछ मसाले रखे चॉप पर मैं चॉप कर रही हूँ जी। इसमें सरसों है, सूजी है, दिखाते हैं आप। तो ये मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली, थोड़ा सा बना रही हूँ नाश्ता के लिए। थोड़ा सा सूजी ले रही हूँ, करीब एक कटोरी है। अब इसे रोस्ट करेंगे पांच मिनट तक। हाँ, रोस्ट करने के बाद तो बनाएंगे। ये 5 मिनट हो गया है, मेरा सूजी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। सूजी तो मैंने रोस्ट किया, वो निकाल दिया है। अब ये कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और फिर बनाएंगे। ऑयल गरम हो गया, थोड़ा इसे राई है मेरे पास, ले मैंने थोड़ा सा राई डाला है, राई को होने देंगे। राई हो गई है, अब इसमें मैं चॉप प्याज और मिर्च डाल रही हूँ। इसमें कड़िया पत्ता भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाला। और प्याज मिर्च वो 3 से 4 मिनट कुक होने देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा दाल डाल दिया, चना या अरहर की दाल डाल दे, थोड़ा सा चुटकी भर और मटर डाल दे। मेरे पास गाजर बीन सब नहीं है तो मैंने मटर सेव डाला है। अब इसे 1 से 2 मिनट कुक होने देंगे। सकते हैं मेरा सब्जियां सारा कुक हो गया अच्छे से। इसमें मैं टमाटर डाल दो रही हूँ जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। अब इसे थोड़ा सा चलाएंगे। इसमें थोड़ा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे थोड़ा सा और, और इसे थोड़ा सा कुक करेंगे, 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। मेरे पास बीन गाजर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, और पीनट भी नहीं है मेरे पास इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं वो सब भी डाल के बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तब तक आप ये रेसिपी देखो कैसी बन रही है, मजेदार सी, सिंपल सी। ये हो गया है,
अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैंने 2 गिलास लिए हैं, ताकि ये अच्छे से बॉईल होने देंगे, तो 5 मिनट तो लगेगा। हाँ, और इसको बॉईल आने देंगे, फिर इसमें सूजी डाल। देख सकते हैं गाइस, शीशे में बॉईल आ गया है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। और इसको मिलाते रहेंगे ताकि लंग्स ना पड़े। अब इसे ऐसे चलाते रहेंगे, कुक हो रहा है। मैंने अच्छे से मिला लिया था ताकि इसमें लंग्स ना पड़े। लंग्स फंस जाता है तो फिर उपमा का उपमा अच्छा नहीं लगता है। देख रहे हो कुक हो रहा है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है ना। अब ये रेसिपी फॉलो कर सकते हो। उसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मेल्ट होते रहे। हो गया अब अच्छे से। अब इसे ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए। उपमा बन के रेडी है। अब मैं इसे खाती हूँ, देखती हूँ कैसा है खाने में। ऐसे तो मैं बनाती हूँ टेस्टी, फिर भी एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको तो बताऊंगी। यम्मी है। यम्मी टू गुड। अब भी ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना के खा सकते हो, यम्मी सा टेस्टी सा। ठीक है, अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आपसे। ठीक है, और शाम को मैं कुछ अच्छा से रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो भी आप देखना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। ओके, बेल आइकन जरूर दबा देना। गाइस गुड इवनिंग। आज मैं इवनिंग वॉक के लिए नहीं जा रही, आज सब्जी मार्केट जा रही हूँ। ओके, फिर मिलते हैं आपसे सब्जी मार्केट में, क्योंकि सैटरडे का हम लोग जाते सब्जी लेने के लिए। अभी 8 बजे है, लेट हो गया है, सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा, नहीं तो सब्जी खत्म हो सकता है, फ्रेश नहीं मिलेगा। फिर आपसे मिलते सब्जी मार्केट में। ओके, इसमें सब्जी लाने जा रही हूँ, मैंने बैग ले लिया है। अब हम लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर जाएंगे। ये देखिए, तो इसमें कोई काम नहीं, दिन भर ऑफिस करते रहता है। सैटरडे को ऑफ लेना चाहिए, नहीं ऑफिस, समझा इसको कोई। देख रहे कैसे मेरे को इग्नोर कर देते हैं। आप लोग में से किसकी किसकी हस्बैंड ऐसा करते हैं, कमेंट करके बताइए। नीचे आ गए हम लोग, अब जा रहे हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आता है। बताओ तो 8 बजे निकलना था सब्जी लेने, 8:30 बजने को आया है। सब्जी फ्रेश नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे हम, वापस आ जाएंगे फिर। इन्हीं को वहीं पे बैठा देंगे, आलू भरो पूरा 10 प्याज भरो बीच करते रहते। इन्हें तो कोई काम नहीं, लेट करते रहते खाली। अपना काम होगा तो जल्दी निकल जाते हैं। फिर मिलते हैं सब्जी मार्केट में। अभी रखती हूँ, अभी चल रही हूँ ना। इसलिए शाम का नाश्ता है चाउमीन और समोसा। यम्मी यम्मी, अभी से खाएंगे। यम्मी यम्मी टू टेस्टी। मैंने 750 चिकन लिया है। अब इसमें दही और नींबू डालेंगे, तो मैं दही डाल रही हूँ 200 ग्राम। दही डाल दिया है, अब इसमें 1 नींबू डाल देंगे। इसमें 20 डलिया नींबू का, वो मैं निकाल दूंगी।
मेरे पास नींबू वाला वो नहीं है ना। और इसे आधा घंटा आधा से एक घंटा मैग्नेट करके छोड़ देंगे और फ्रिज में भी रख सकते हो। मैं तो बाहर ही रखती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखने से फिर स्मेल आ जाता है पूरा सब्जी सब में, फिर चिकन स्मेल तो रही है, इसलिए मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक डालते तो मैग्नेट कर देंगे। 1/2 से 1 घंटा तक मैग्नेट करके छोड़ना है, ज्यादा नहीं। और ये दही और नींबू डालते चिकन बहुत टेस्टी बनता है गाइस। आप लोग भी ऐसा चिकन बनाते होंगे, जो नहीं बनाते ये रेसिपी जरूर फॉलो करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करना ना भूले। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ये तीनों चीज करना ना भूले। हम ऐसे ही टेस्टी डिश रेसिपी लाते रहेंगे। और कमेंट करके ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी मैं बना के दिखाऊं। मटन मैं खाती नहीं हूँ तो मैं बना नहीं सकती हूँ। चिकन रेसिपी, एग करी, फिश ये सब मैं बनाती हूँ बस। अभी तक मैंने फिश का नहीं दिखाया, फिश का भी मैं जब बनाऊंगी तो फिश का भी दिखाऊंगी। और फिर मैं चिकन अफगानी भी किसी दिन बनाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी। अब इसे छोड़ देते हैं, 1/2 से 1 घंटा छोड़ेंगे आज का समथिंग। बनाने के लिए मैंने 4 प्याज, 4 से 5 मिर्चा, 2 टमाटर लिए हैं। अभी सब को चॉप कर लेते हैं। या तो ग्राइंड कर लो या तो चॉप कर लो, जैसे आपकी मर्जी। चिकन बनाऊंगी, ऑल गरम हो चुका है मेरा। अब इसमें बारीक प्याज कटा हुआ और मिर्चा डाल रही हूँ और 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे, फ्राई भूनेंगे। कुक होता है तब तक मैं जीरा राइस बना लेती हूँ। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा और 1 से 2 मिनट इसे कुक होने देंगे। मैंने 1.5 गिलास चावल धो के वॉश कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार। अब देखते हैं जीरा कुक हो रहा है, अब इसमें चावल डाल देंगे। कुक हो गया है, इसमें चावल डाल देंगे। मेरा कुकर थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, डोंट माइंड। नोटिस मत देना, बनेगा तो अच्छा ही ना, मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच, 1/2 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। 1.5 गिलास चावल लिया तो डबल पानी डालना होगा, कुकर में बनाते तो थोड़ा कम पानी डालना होता। डबल पानी लेंगे 1.5 गिलास, 2-3 मिनट कुक होने देते। मेरा चावल फ्राई हुआ कि नहीं, ये फ्राई हो गया। अब इसमें पानी डाल देंगे, ये मेरा प्याज मिर्च फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। अब 1 से 2 मिनट अच्छे तरह से कुक हो गया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, किचन किंग 2 बड़ा चम्मच। सब डाल दिया है, अब इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे।
देखिए एक से दो मिनट तक भुना गया है, अब इसमें मैरिनेट चिकन सारा डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट तक कुक होने देंगे, मतलब इसको भून देंगे अच्छे से ताकि फ्लेवर आ जाए। देखते हैं हम लोग हमने चिकन कुक हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से। अरे ये तो पूरा ऑयल छोड़ रहा है, सेपरेट हो गया पूरा ऑयल और जो कुक हो रहा है। आई थिंक 5 मिनट और लगेगा, मैंने 10 मिनट में ही देखना स्टार्ट कर दिया था और इसे 5 मिनट कुक होने देते हैं। अरे हमारा पुलाव बन रहा है, कुक होने देते हैं फिर इसके बाद आप फिर दिखाते हैं। देखिए गाइस मेरा पुलाव बन के रेडी है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सर्व करने टाइम आपको दिखाएंगे। ओके अब ये तो हो गया, अब मैं चिकन देख लेती हूँ कि कुक हुआ है कि नहीं। ये देखिए पूरा अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल जब छोड़ता है ना चिकन से तो बहुत मस्त लगता है बनने में बनावा। ये कुक हो गया है हाँ, इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। प्यूरी मैंने प्यूरी डाल दी है, अब इसे थोड़ा चला लेते हैं, मिला लेते अच्छे से। चुप, देखिए मेरा चिकन पूरा अच्छे से हो गया, मैंने टमाटर मिला दिया, अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला रही हूँ, ज्यादा नहीं, अब इसे मिला लेती हूँ अच्छे से। देखिए मेरा चिकन बन के कितना टेस्टी लग रहा है, रोटी साथ खाए एक नंबर टेस्टी लगता है। लेकिन हम लोग चाव जीरा राइस या पुलाव के साथ खाना प्रिफर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। रोटी साथ भी खा सकते हो, वो टेस्टी है। मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं। और इसे और 5 मिनट ढक दे, अच्छे से कुक हो जाएगा। हमारा चिकन बन के रेडी हुआ है कि नहीं देख सकते चाय, हमारा चिकन बन के रेडी है। मैंने थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रखा है क्योंकि हमें इसे पुलाव के साथ खाना है, इसलिए रोटी साथ भी खा सकते हो, अच्छा लगता है। देखिए मेरा चिकन बन के रेडी है, अब इस पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। पुलाव तो बन के रेडी था, चलिए अब हम इसे खा लेते हैं डिनर का। फिर डिनर करने टाइम अब तो दिखाएंगे थोड़ी देर में करें। ये मेरा डिनर बनते रेडी है, ये जीरा राइस है, ये चिकन है, देख सकते हो कितना लजीज बना है, अच्छा खाने में भी अच्छा होगा। मैं अब खा के आपको बताती हूँ। ओके हाय गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पुलाव चिकन मेरा बन के रेडी है, अब मैं इसे खा के बताती हूँ कैसा बना है। टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी मेरा रेसिपी फॉलो कर सकते हो और मैंने बहुत अच्छे से चिकन, वैसे तो मैं हमेशा अच्छा से बनाती हूँ लेकिन मैंने इसमें दही नींबू स्पेशली डाला है, इससे क्या होता है अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है चिकन, आप आराम से खा भी सकते हो, बहुत यम्मी है, आप लोग भी खा ले सकते हो। कमेंट करके बताना किसको किसको मेरी रेसिपी पसंद है, अगर कोई मेरे फ्रेंड है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए।